दोस्तों, मेरा नाम दिलीप महास्के है। आज हम यहाँ सिटी में जो भारत सरकार ने SC-ST एक्ट के लिए जो भी कदम उठाए हैं वो बहुत ही निंदनीय है। We condemn the act of government to recant the SC-ST Act. हमें जरूरी है कि कोई भी एक्ट, जो भी नेशनल एक्ट है, उसे पार्लियामेंट में पास किया जाना चाहिए, जिसमें बहुमती से अगर पास नहीं होता है तो उसे चेंज किया नहीं जा सकता। लेकिन आज हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने जो भी फैसला दिया SC-ST एक्ट को विखंड करने का, वो हमारी कम्युनिटी के हर एक सेक्ट को बहुत ही कमज़ोर और वल्नरेबल बनाता है। हम इस एक्ट को पार्लियामेंट में वापस लाना चाहिए और कड़े से कड़े कदम उठाना चाहिए कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रांग बनाने की कोशिश होनी चाहिए। आप सबको पता होगा ये नेशनल एक्ट है। इस नेशनल एक्ट का मतलब होता है कि कोई भी विदाउट पार्लियामेंट इसको बदल नहीं सकता। अगर कोई बदलने की कोशिश भी करता है, इवन अगर सुप्रीम कोर्ट भी इसके खिलाफ जाता है तो वो गैर कानूनी हो सकता है। इसलिए हम भारतीय प्राइम मिनिस्टर और सारी पार्लियामेंट को ये रिक्वेस्ट करते हैं यहाँ से कि जो भी SC-ST एक्ट के अगेंस्ट कोई भी पहल उठाए उसको बंद करना चाहिए और समाज के हर एक तबके को एक सोशल जस्टिस मिलना चाहिए। उसी तरह जिस तरह हमने अभी न्यूयॉर्क में देखा, इंडियन मिशन ने जो भी हमारे खिलाफ अलग अलग एक्टिविटीज़ की है, सबसे पहले उन्होंने हमें मना कर दिया था कि यहाँ पर यूनाइटेड नेशन में बिल्कुल ही जयंती सेलिब्रेट नहीं होगी। उसके बाद हम लोग सब यूनाइटेड नेशन में जाके एक नई परमिशन लिया था, उसे भी उन्होंने कैंसिल किया। तो बहुत सारे ऐसे एक्ट हो रहे हैं दुनिया में यहाँ पर कि SC-ST कम्युनिटीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा विकन करने की कोशिश की जा रही है। कुछ दिन पहले हमारे एक भाई को जिसने खाली हॉर्स वजह किया था उसका कत्ल किया गया। हम खैरलान जी, ऊना, ऐसे हजारों इंसिडेंट बता सकते हैं जिसमें SC-STs को एनिमल से भी बड़ी गंदी तरीके से मारा या कुचला गया है। तो आज हम यहाँ से भारतीय सरकार को ये दरख्वास्त करते हैं कि अगर आपने सख्त से सख्त पहल नहीं की तो हमें ये आंदोलन सारी दुनिया में फैलाना होगा। और अगर नेक्स्ट 1 मंथ में भारतीय प्रधानमंत्री ने अगर कुछ स्टेटमेंट नहीं दिया तो हम इसको पूरे दुनिया में सारी इंटरनेशनल बॉडी के सामने, यूनाइटेड नेशन के सामने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के सामने, यूनाइटेड नेशंस की ह्यूमन राइट्स के सामने इस मुद्दे को जरूर रखेंगे। थैंक यू। जय भीम, जय भारत। जय भीम, जय भारत। जय 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 जय। जय भीम, जय भीम, जय भीम।